लॉकडाउन खुला और एक बार फिर खिलाड़ी कुमार अपनी अपकमिंग मूवीज के चलते सुर्खियों में आ गए। बता दें कि दूसरे स्टार से पहले आकी अपनी सभी मूवीज की शूटिंग बैक टू बैक करने में बिजी हैं। यही नहीं, इनमें से एक मूवी रिलीज को भी पूरी तरह तैयार है और हाल ही में ऑडियंस ने इसका फैंटास्टिक ट्रेलर भी इंजॉय किया। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है अक्षय की हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की, जो अगले महीने की 9 तारीख को धमाका करने डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर रिलीज की जाएगी। हालांकि थिएटर में अक्षय की मूवीज रिलीज की आस लगाए फैंस को इस 2020 ने सिवाय निराशा के कुछ नहीं दिया, क्योंकि लक्ष्मी बॉम्ब जहाँ OTT पर रिलीज होने जा रही है, वही अक्षय की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म सूर्यवंशी 2021 के लिए खिसका दी गई है। ऐसे में अक्षय के लिए अब 2021 में सेट हो गया है एक नया टारगेट। आखिर किस टारगेट की बात कर रहे हैं हम, जिसे पूरा करने के लिए अक्षय करेंगे तैयारी? चलिए बताते हैं पूरी कहानी। तो माजरा ये है कि अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है। वजह है इसका 2021 में रिलीज होना। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ऑडियंस के सामने थिएटर्स में दस्तक दे सकती है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन बनी इस फिल्म से बॉक्स ऑफिस को भी काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि ये सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अक्षय कुमार की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म साबित होगी। चलिए अब बताते हैं आपको वो टारगेट जिसे तोड़ना अक्षय के लिए हो जाएगा जरूरी। 2020 का हाल क्या है ये आप सभी से छिपा नहीं, लेकिन अगर आप खिलाड़ी कुमार के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को देखेंगे तो पाएंगे कि बीता साल यानी कि 2029 इनके लिए काफी जबरदस्त रहा था। एक्टर ने एक ही साल में 300 करोड़ की फिल्में दी थी, जिसमें मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और गुड न्यूज शामिल थी। और शौक की बात ये भी है कि इससे पहले अक्षय की किसी भी फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं किया था। दरअसल ओवरसीज और सभी तरह के राइट्स, थिएटर रिलीज मिलाकर अक्षय की हाउसफुल 4 ने 200 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया था। वहीं उनकी इसी साल रिलीज मिशन मंगल भी 200 करोड़ के पार पहुंची थी। और यही कुछ हाल था साल के आखिर में आई करीना, अक्षय कुमार, कियारा और दिलजीत स्टारर फिल्म गुड न्यूज का भी, जिसे ऑडियंस ने कमाल का रिस्पॉन्स दिया था। ऐसे में अब देखा जाए तो अपने पिछले साल रिलीज की बदौलत अक्षय ने तगड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया है, जिस वजह से बड़े बड़े ट्रेड पंडितों की नजर अब उनकी पहली थिएटर रिलीज फिल्म सूर्यवंशी पर रहने वाली है। क्योंकि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स वाली इस फिल्म में वो सभी मसाले डाले गए हैं जिसे इंडियन ऑडियंस और अक्षय के फैंस को इम्प्रेस कर सकते हैं। ऐसे में 300 करोड़ का बिजनेस देना अब अक्षय के लिए टारगेट रहने वाला है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या सूर्यवंशी से अक्षय आंकड़ा पार कर पाते हैं या बना पाते हैं एक नया रिकॉर्ड। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पर जरूर शेयर कीजिएगा अपना ओपिनियन नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में।